देखिए हमास जिस तरीके से इसराइल पर हमला कर रहा है उससे एक सवाल खड़ा ये होता है कि इसराइल के सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी चूक है और ये चूक आखिर कैसे हो गई, क्योंकि इसराइल के पास तो सबसे बेहतरीन दुनिया की मानी जाती है सुरक्षा एजेंसी मोसाद है, जो कि इस हमले के बाद फेल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर, मोसाद जिसकी गिनती दुनिया की सबसे अच्छी खुफिया एजेंसियों में होती है उसे भी इस हमले की भनक तक नहीं लगी और इसलिए कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ी चूक इसराइल के सुरक्षा एजेंसी मोसाद की। हमास का यह आतंकी हमला इसराइल के खुफिया तंत्र के लिए बड़ी नाकामी माना जा रहा है, क्योंकि इसराइल के पास मिडिल ईस्ट में घरेलू और बाहर दोनों तरफ का आधुनिक खुफिया नेटवर्क है। मोसाद में न केवल फिलिस्तीनी इलाके में बल्कि लेबनान, सीरिया और दूसरे आतंकवादी समूह के अंदर तक भी शामिल है। इतिहास बताता है कि इसराइल ने कभी ड्रोन हमलों से तो कभी मोबाइल फोन से आतंकवादी हमलों को नाकाम किया है। अब ऐसे में सवाल बड़ा है कि हमास के आतंकी इसराइल के घर में घुस गए और उसे खबर तक नहीं लगी। इसी खुफिया फेलियर का नतीजा है कि हमास के आतंकियों ने इसराइल के कई घरों पर कब्जा जमा लिया। इसराइल के सैकड़ों नागरिक मारे जा चुके हैं और इससे ज्यादा घायल है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो लड़ाई हमास ने शुरू की है उसे इसराइल खत्म करेगा, क्योंकि जब जब इसराइल युद्ध के मैदान में उतरा है दुश्मन को खत्म करके ही लौटा है। लेकिन इसराइल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि उसे अपने घर में इस तरह खूनी जंग का सामना करना पड़ रहा है। ABP News आपको रखे आगे।